हेलो गाइस, मैं हूं सलीम अंसारी, बॉलीवुड इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिस्ट। तो आज हम एक फ्रेश हेयर स्टाइल आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले हम सेक्शनिंग देख लेंगे। सी सेक्शन है, ए टू एयर सेक्शन है एंड साइड पोनी है। एंड उसके बाद हमें पफ बनाना है, जो हम लो पफ बोलते हैं जिसको, वो पफ क्रिएट करना है और वॉल्यूम करना है हल्का सा लाइट एकदम। देखो, जिसको भी सीखना है आप पूरा वीडियो देखोगे तो ही आप बना पाओगे, तो ही समझोगे। बहुत लोग ऐसे हैं कि वीडियो पूरा देखते ही नहीं है और स्किप कर देते हैं, आगे की तरफ चल देते हैं, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो आप कंटिन्यू बने रहिए और देखिए किस तरह से क्या होता है, हेयर स्टाइलिंग को कैसे क्रिएट किया जाता है। हमारी एकेडमी अंधेरी ईस्ट मुंबई मरोन लाका में है। जिसको भी ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, आप कॉल कर सकते हो इन्फॉर्मेशन के लिए। हमारी टीम है यहाँ पे। बैक कॉमिंग होने के बाद में स्टाइल कॉम से बाल को सही करना है, नोट्स निकालना है अच्छे से और लिटल्स लाइंस क्रिएट करना है। पहले नोट्स निकालेंगे अच्छे से। नोट्स निकालने के बाद में इस तरह से आपको छोटी छोटी लाइंस निकालना है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है लिटल लाइंस, क्योंकि बड़ी तो हर कोई निकालता है, छोटी लाइंस निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो आपको एकदम आराम से काम करना है और एक ही हेयर स्टाइल को जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ही आप 10 मिनट में हेयर स्टाइल बना सकते हो। हमारी क्लास होती है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। जहाँ पे भी सिखाने के लिए जाते हैं हम, तो सारे स्टूडेंट यही बोलते हैं कि सर कुछ ऐसा हेयर स्टाइल दिखाओ जो 5 मिनट 10 मिनट में बन जाए। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाता है कि वो तो हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम कितना फास्ट कर सकते हैं और हम ही स्लो कर सकते हैं, मतलब अपने ऊपर डिपेंड होता है वो। जितनी बार आप एक ही हेयर स्टाइल की बार बार रिपीट प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, बट फिनिशिंग भी आएगी आपकी। स्पीड के साथ साथ में फिनिशिंग भी आएगी। आपको जो भी हेयर स्टाइल सीखना होता है आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, मेरा नंबर भी ले सकते हो, नंबर दिए हुए हैं वहाँ पे, या कमेंट में भी मांग सकते हो। मैं मैसेज सारे सीन करता हूँ सबके। सो नंबर लेके आप मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़, जो भी आपको सीखना है यूट्यूब से रिलेटेड, तो मैं वहाँ पे शूट करके अकेडमी में आपको वीडियो पोस्ट कर दूँगा सभी के लिए। क्योंकि मुझे हेयर स्टाइल बनाने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट में मैं हेयर स्टाइल बना देता हूँ, तो आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। बट आप एक ही हेयर स्टाइल को बार बार देखो, जितनी बार आप देखोगे ना उतनी बार आपका दिमाग चलेगा। हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि कोर्स करते हैं और अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं कमिंग सून अकेडमी। मेरे भाई मेरे बच्चों, पहले सीख तो लो, अपने पैर पे खुद खड़े तो हो जाओ। सीखने का, डालने का एकेडमी सबका मन होता है, सबको आगे बढ़ना है, बट पहले खुद के पैर पे तो खड़े हो जाओ। एकेडमी डालने से पहले आपको एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो आप सबसे पहले एक्सपीरियंस लो। एक्सपीरियंस होने के बाद में आप कहीं पर भी ओपन कर सकते हो एकेडमी। हर लाइन में आपको यू पिन लगाना है, स्प्रेडिंग करना है पहले, उसके बाद में लाइंस, फिर हेयर स्प्रे, और यू पिन तो लगाना है, क्योंकि जितना आप यू पिन लगाओगे 1 2 3 4 तो लाइंस आपकी होल्ड रहेगी जगह पे। मैं जिस हेयर स्प्रे से हेयर स्टाइल बनाता हूँ उसका नाम है टॉफ 5 नंबर, एंड बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे है। एंड हेयर स्प्रे यूज़ करने से पहले मैं क्रिम्पिंग करता हूँ, और क्रिम्पिंग करने के बाद में फुल हेयर में आपको हेयर सीरम लगाना है। कोई भी कंपनी का लगा सकते हो, लेकिन अर्गन ऑयल नहीं लिखा हुआ होना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि वो एक ऑयल जैसा होता है, हमें ऑयल नहीं चाहिए, ओनली फॉर सीरम चाहिए। तो स्टिक्स का आप ले सकते हो, मैं वही यूज़ करता हूँ। आपको अपना हाथ इतना बेहतरीन बनाना है कि कभी बाई चांस आपको अगर बिना क्रिम्पिंग के हेयर स्टाइल बनानी पड़े तो बना दो, सोचना नहीं है, बना दो। वो कब बनेगा? जब आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, क्योंकि मुझे कैसे भी हेयर दे दो, मैं बिना क्रिम्पिंग के भी हेयर स्टाइल बना देता हूँ। पफ बोलो, फ्रंट बोलो, जो बोलोगे वो बना के दिखा दूँगा, बट मेरी प्रैक्टिस बहुत है ना, तो आपको भी ऐसी मेहनत करना है।
ये हेयर स्टाइल हम ब्राइडल छोड़ के साइडर्स पे कोई भी हेयर स्टाइल पे दे सकते हो, गाउन पे भी जाएगा और ये साड़ी पे भी जाएगा। ये वाला हेयर स्टाइल ऐसा है कि आप कहीं पे भी दे सकते हो। दूसरी चीज़, जैसा ब्राइडल का जो अगला दिन होता है रिसेप्शन, आप उसको भी दे सकते हो, यानी कि ब्राइडल रिसेप्शन पे भी दे सकते हो ये वाला हेयर स्टाइल स्पेशल। और क्लाइंट के, अगर हमारी मॉडल के क्लाइंट के अगर बाल लंबे हुए तो और मज़ा आएगा आपको काम करने के लिए, और बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल है ये। आप इसके अंदर डोनट भी लगा सकते हो, यानी कि पोनी के नीचे आपको डोनट लगाना है। अगर आपको और शॉर्ट वीडियो देखना है, ये तो मेरी ट्यूटोरियल वीडियो है, तो आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है सलीम हेयर स्टाइलिस्ट ऑफिशियल। इंस्टाग्राम पे आपको शॉर्ट वीडियो मिलेगी। अगर आप शॉर्ट वीडियो कैच करना चाहते हो या करते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, सलीम हेयर स्टाइलिस्ट ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे है। दो अकाउंट है, एक सलीम हेयर मेकअप एकेडमी है। सो पूरी वीडियो कभी भी देखना चाहिए अच्छे से। अब हमारा हेयर स्टाइल जो है ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट ही है। सो अब दिखाते हैं आपको हम फाइनल लुक। कोशिश यही रखो कि लॉन्ग हेयर है तो लॉन्ग तक बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो फाइनल लुक रेडी।